भाई वो हमारी छोटी बहन है, हमको उनको सिर्फ एमएलसी मत देखिए, वो हमारी छोटी बहन है नूतन जी जिनकी आप बात कर रहे हैं। कौन सी लगातार बताइए ना। देखिए आप जानकार व्यक्ति हैं, जो 206 जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्लीज आप उसको चेक कीजिए। नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अहम बैठक बुलाई। जी हाँ, पार्टी की पहली और अहम बैठक आज बुलाई गई। आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। जी हाँ, इस बैठक की अध्यक्षता खुद चिराग पासवान ने की। इस बैठक में पार्टी के 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और उसमें मिली करारी हार सहित लोजपा के विधायक के जदयू में चले जाने को लेकर के अहम चर्चा हुई। चिराग पासवान सहित उनकी पार्टी के कई नेता दूसरे दलों में चले गए। ऐसे में पार्टी को बचाने और पार्टी के आगे की रणनीति को तैयार करने को लेकर के यह अहम बैठक बुलाई गई। पार्टी की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि कुछ दिन पहले ही महिला एमएलसी नूतन सिंह ने भी लोजपा का दामन छोड़ते हुए बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। ऐसे में चिराग के समक्ष सबसे अहम चुनौती पार्टी और उसके नेताओं को एकजुट करने की है। जी हाँ, नूतन सिंह के जदयू में चले जाने के बाद चिराग पासवान से आज मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दिया, वो जरा सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष की सारी बात बोल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी का टूट होने उसको तो बताइएगा ना, किस तरह से उसके प्रदेश अध्यक्ष तो बोल चुके हैं सारी बातें। आपके एमएलसी छोड़ के चले गए आपको? अरे भाई वो हमारी छोटी बहन है, हमको उनको सिर्फ एमएलसी मत देखिए, वो हमारी छोटी बहन है नूतन जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, और उनके पति जो भाजपा में जो वो मंत्री बने हैं उनके पति हैं, तो भाई स्वाभाविक है, पारिवारिक भी वो होता है। वो हमारी छोटी बहन है, उसको राजनीतिक उससे मत जोड़ के देखिए। कौन सी लगातार बताइए ना। देखिए आप जानकार व्यक्ति हैं, जो 206 जिनकी आप बात कर रहे हैं, प्लीज आप उसको चेक कीजिए कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हुए हैं। वो रालोसपा के गए हुए, वो जदयू के खुद के लोग हैं। आप प्लीज आप भ्रम मत फैलाइए इन सब चीजों को। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने साफ कहा है कि आप लोग नूतन सिंह को केवल एक एमएलसी मत समझिए, वो हमारी छोटी बहन की तरह है, यानी छोटी बहन का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा है कि पारिवारिक भी विवाद हो सकता है, सब चीज को राजनीति से जोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।